पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मतदान के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन यहाँ हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा रथ में तोड़फोड़ और ड्राइवर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, शुक्रवार यानी कि 26 फरवरी रात मानिकतला के कांडापाड़ा इलाके में घटी है। बीजेपी नेता सब्यासी दत्ता और शामिक भट्टाचार्य घटनास्थल पर गए और फुलबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। आपको बता दें, बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। ऐसी तस्वीर कोलकाता से साथ साथ जिले में भी देखने को मिली है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार उनके परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के लिए कांडापाड़ा के एक धनिया में गोदाम की किसी कई सजी हुई थी। वही परिवर्तन यात्रा की झांकी रखी थी, इसमें एलईडी स्क्रीन, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी थे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि रात में टीएमसी के कुछ गुंडों के एक समूह ने गोदाम में हमला किया। आरोप है कि परिवर्तन यात्र की शीशे तोड़े गए और ईंट फेंकी गई। परिवर्तन रथ में रखे गए मोबाइल लैपटॉप गायब हो गए हैं। वही बीजेपी का आरोप है कि एलईडी स्क्रीन, मोबाइल और लैपटॉप भी चोरी हुई है। घटना को लेकर शुक्रवार रात इलाके में तनाव है। वही शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि ये रथ बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाएंगी, लेकिन इससे पहले टीएमसी गुंडों ने इसे तोड़ दिया। इससे साफ है कि बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।